हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेनबो पहाड़ में। तो दोस्तों, समय हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और चारों तरफ धूप खिल रही है और अभी हम तैयार हो रखे हैं घर जाने के लिए होटल से। तो दोस्तों, चलते हैं अब घर की ओर। अभी यहाँ से फिर वही क्रम है, यहाँ से ताला जाना है और ताला से ऊखीमठ, ऊखीमठ से मनसूना होते हुए अपने घर की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भारत सेवा आश्रम पे। ताला से गाड़ी नहीं मिल रही थी तो ट्रक वाले से लिफ्ट लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ। यहाँ से ये वाली रोड जो दिख रही है नीचे वाली, वो जाती है गुप्तकाशी केदारनाथ साइड को और ऊपर की तरफ ऊखीमठ मधमेश्वर की तरफ ये रोड जाती है। हमें भी इसी रोड पर जाना है, इसी रोड पर ऊखीमठ से होते हुए मनसूना और फिर आगे अपने गाँव की तरफ निकल जाना है। ऊखीमठ मार्ग पे यहाँ पे है श्री हनुमान जी का मंदिर और मंदिर के ठीक सामने ऊपर आपको होटल मधुगंगा देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा होटल है। कुछ इस तरीके से बाहर का व्यू है होटल मधुगंगा का। कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा तो आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल चलते हैं ऊखीमठ मार्केट की तरफ और वहाँ से सीधे घर। अभी हम पहुँच चुके हैं मनसूना मार्केट में। ऊखीमठ मार्केट का हमने आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखाई क्योंकि परसों ही हम दोस्त पहले वीडियो जो बना रखी है उसमें हमने मनसूना की, सॉरी, ऊखीमठ की वीडियो डाल रखी थी। तो ज़्यादा कुछ खास काम था नहीं ऊखीमठ में, सेम ही था परसों जैसा। तो सीधे हम अपने मार्केट की तरफ आ गए और इस तरीके से कुछ नज़ारा है हमारे मार्केट मनसूना का। यहीं से हम फल सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं और अब सीधे चलते हैं घर की ओर क्योंकि मार्केट का काम लगभग हो ही गया है। ये हमारे गांव की रोड जा रही है। गांव की रोड की हालत काफ़ी ठीक है और गांव के मुकाबले, और वो सामने जो दिख रहा है वो हमारा गांव है और सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो है हमारा मकान और गांव उससे थोड़ा नीचे है। अभी गांव के नीचे जो रोड जा रही है हम वहाँ से जा रहे थे। पहले रोड यहीं तक थी लेकिन अब गांव में बस्ती पड़ता है आगे, उधर के लिए रोड कट रही है, ये वाली कच्ची वाली, इसी रोड पे हम आगे जाएंगे। और आगे की तरफ जो ये रोड जा रही है उधर पहाड़ की तरफ, ये है गोडगू की रोड। फाइनली मार्केट से थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लेके मैं पहुंच गया अपने गांव के ऊपर जो नई वाली रोड बन रखी है उधर, और अब सीधे घर की ओर। आपको अपने गांव का एक छोटा सा नज़ारा दिखा देता हूं यहीं से। लेके यह है मेन गांव, थाती गांव ये है, और उधर से लेके पूरा ऊपर तक जो उस कोने तक वहाँ से दिख रहा है ना, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक और नीचे भी है कुछ मकान रोड से नीचे उधर हमारा पूरा। तो ये पूरा हमारा गाँव है। अभी भी गांव में पुराने ज़माने के टाइप की पठाली वाली गौशालाएँ आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां से जो ये रास्ता कट रहा है, रोड के कारण रास्ता ख़राब हो गया है और इस रास्ते से कम 300 मीटर दूर अब पैदल ट्रैक और उसके बाद अपने घर। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ।
तो इस कुछ इस तरह से जंगल का रास्ता है हमारे घर जाने के लिए। दोस्तों चढ़ाई काफी खड़ी है ये घर जाने के रास्ते पे, और अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के मंदिर पे, भगवान जाख राजा के दरबार में। तो ये है, आप देखिए कितना बड़ा बांज का पेड़ है इनके पास। इस पे आज तक कभी हथियार नहीं चलाते हैं, मतलब इसको काटा नहीं जाता है, भगवान का पेड़ है। ये चीज़ अच्छा हो गया यहाँ पे कि बैठने के लिए यहाँ पे टीन का सेट बना रखा है मंदिर में, और बगल में सामान सामान रखने के लिए स्टोर रूम बना रखा है। तो मंदिर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, गांव वालों ने की है, ग्राम प्रधान ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है भगवान श्री जाख राजा जी। पीछे के साइड से ऐसा व्यू है, पेड़ देखिए कितना मोटा है, और छत के कारण ये जो पेड़ की टहनी है ये वाली, ये भी ढक गई है। इसको देख के बचपना याद आ गया, इस पर जाके काफ़ी झूला करते थे हम। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल था तो काफ़ी इंजॉय करते थे हम इस पर। सामने पे पंकज भाई बैठा हुआ है, जय हो मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज कुमार, चाचा का लड़का है, दोनों साथ में चलते हैं घर की ओर। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है गांव में, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी बढ़ गई है। और भाई कह रहे हैं कि आजकल काफल बहुत हो रखे हैं, हालांकि पके नहीं हैं, अभी कच्चे ही हैं, लगभग मई जून में पक जाएंगे। और इस साल काफल बहुत सारे हो रखे हैं पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल तो कम ही हुए थे, उससे पिछले साल हमने बहुत काफल खाए, और इस साल भी लग रहा है काफल खाने को मिलेंगे। काफल की भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, बड़े बड़े पेड़ हैं और काफ़ी सारे काफल लगे हुए उनमें। तो दोस्तों अब पहुंच गए हम अपने घर में, घर के पास भी छोटा सा मंदिर है भगवान सिद्धवा जी का, और यह चाचा का घर। और अरे वाह, आड़ू भी बहुत लग रखे हैं, मतलब इस साल काफ़ी सारे फल खाने को मिलेंगे। और खेत में प्याज भी बहुत सारा हो रखा है, और इधर है धनिया। हैं दादी जी हमारी, ए दादी खाना बनाने, ओ चल चलो। और ये है हमारा घर, घर में लग रहा है कोई नहीं है। रिद्धि पापा। तो दोस्तों अब पहुंच गए हम अपने घर में, ये है हमारा घर, और ये है हमारा किचन, और आप देख सकते हैं घर में कितने सारे माल्टी के पेड़ हैं। अभी तो फूल लग रखे हैं इनमें बहुत सारे। तो चलिए, तो अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, तो फिर मिलिए कल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।